अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद नूर, वेलकम टू नेसी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स, गुल नरगिस, नरगिस का फूल या नरगिस का पौधा जिसको कहा जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें ये भी बताएंगे कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस तरह से उसको लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। दो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और आपने 10/10 ही लेने हैं। और आखिर में हम इसके PDF के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप वहाँ से देख के ईजिली अपने आप को यूटिलाइज कर सको और अपने नोट्स खुद बना सको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता चलें कि वी आर एन से मेंटोर और इस चैनल पर हम आपको 9, 10 फर्स्ट से सेकंड ईयर की इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी और हमारे अंदाज में होगी, यानी कि एन से मेंटोर के अंदाज में होगी। तो अगर आप भी अपनी एकेडमिक सक्सेस को चेज करना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज आपको बआसानी मिलते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आंसर द क्वेश्चन 5 आपने करने होंगे, 8 आपको गिवन होंगे और 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कहता है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, नज़म का मरकजी ख्याल क्या है, कौन सी नज़म का, डैफोडिल्स का। द पोएम डैफोडिल्स प्रेजेंट बिफोर अस द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग। नज़म डैफोडिल्स फितरत की पुरकशी और दिलकश खूबसूरती और इंसान पर इसके असरात को बयान करती है। बस इतना आपने लिख देना है और आपके 2 नंबर आपकी पॉकेट के अंदर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन दिस पोइम, इस नज़म में डैफोडिल्स किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। इन दिस पोइम, उसके बाद आपने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। डैफोडिल्स रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ द नेचर, बस इतना लिखेंगे, 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। आपने ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा करनी है और ना चीज़ कोई कम करनी है इसमें से, ठीक है। जितना ये लिखा है उतना ही आपने लिखना है, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और वो कहता है जी इस नज़म में डैफोडिल्स फितरत की खूबसूरती की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट, इस मंजर की यादें शायर को क्या दौलत देती हैं, ठीक है जी। मेमोरीज ऑफ दिस सीन गिव वेल्थ ऑफ नेचुरल ब्यूटी, उसके बाद क्या लगा, कोमा, स्पिरिचुअल जॉय एंड प्लेजर टू द पॉइंट, मंजर की याद ने शायर को कुदरती खूबसूरती, रूहानी खुशी और खुशी की दौलत अता करती हैं। इतना आपने लिखना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बार बार कहूँगा, चीख चीख के कहूँगा, बच्चे गलतियाँ करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने लिखना कैसे। याद तो कर लेते हैं बट लिखने में गलतियाँ करते हैं। आप अगर दिन रात बैठ के पढ़ते हो, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप दिन रात बैठ के पढ़े हो, उसको उस वक्त पता चलेगा जब आपने लिखा हुआ होगा अच्छा। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, लिखाई आपके अच्छी होनी चाहिए और लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा। आप 2-2 बजे तक रात को बैठ के पढ़े, उसको क्या पता कि भाई आप 2 बजे तक पढ़े हो नहीं पढ़े। तो आपने लिखना अच्छा, फिर बोल रहा हूँ लिखना अच्छा, समझ आइए। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है उसकी तरफ चलते हैं। व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द, सॉरी ये तो हो गया जी, लिस्ट वर्ड दैट हाइटेंड द साउंड इफेक्ट ऑफ द पोइम, इन अल्फाज की फहरिस्त बनाएं जो नज़म की सूती असर को बुलंद करती हैं जी। द फॉलोइंग वर्ड्स हाईलाइटन द साउंड इफेक्ट ऑन द पोइम, उसके बाद कोलन लगाया आपने, क्लाउड हैं, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज, मंजर, अल्फाज नज़म के सूती असर को बुलंद करते हैं, बादल, हजूम, पहाड़ों, पहाड़ियों, डैफोडिल्स और दख्त वगैरह और हवा, ये सारे के सारे जो है ना इसको लुत्फानंदोज़ बनाते हैं। आपने परेशान नहीं होना, यहाँ से पढ़ना है और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ पे इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ईजिली अच्छे से उसको यूटिलाइज करने में आसानी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है जी व्हाट डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डैफोडिल्स की सोहबत में शायर कैसा महसूस करता है, ही फील्स मच जॉय एंड प्लेजर इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। बस यार इतना लिख देना यार, बस कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी है आपने, कोई ज़्यादा हवाई जहाज़ के पुर्जे के अंदर फिट नहीं करने आपने, बस इतना आपने लिखना है, ठीक है। आपके 2 नंबर आपकी पॉकेट में आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसे डैफोडिल्स की सोहबत में बहुत खुशी और मुसरत महसूस होती है, ठीक है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5, अपना चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने डैफोडिल्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखा। और ये आते हैं मेरा बेटा, ठीक है। आपने इनको तैयार करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से लिखना है। जो जो बातें यहाँ पे बताई हैं उन्हीं बातों को हमने फॉलो करना है और एग्जाम में उन्हीं टिप्स को फॉलो करना है। और इसके
इसके पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके मुताबिक ही आप अपने नोट्स बनाएं। मैं बार बार बोलूंगा, हर वीडियो में बोलूंगा, चीख चीख कर बोलूंगा कि अपने नोट्स खुद बनाओ, एक रजिस्टर ले लो, यही यहाँ से देख देख के वहाँ पे उतारो, उसको नोट करो। उससे क्या होगा कि आपकी रिविजन होगी बार बार, जब आप अपने हाथ से काम करोगे तो वो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है मेरा बेटा, ठीक है। किसी के बनाए बने बनाए नोट्स से आप हेल्प ज़रूर लो, बट उसको फॉलो ना करो। फॉलो उसको करो तो उसको ये है कि आप यूटिलाइज करो अपने अंदाज में, उसको लिखने की कोशिश करो, इसको अपने रजिस्टर्स पर उतारो और उसको वहीं से तैयार करो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।